नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ को देखने के लिए कुक विद पैशन को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोस दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों अब रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए छोलों की रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल पंजाबी छोलों की रेसिपी। इन छोलों को दोस्तों आप भटूरों के साथ, पूड़ी के साथ या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कि छोले आप बिल्कुल बाज़ार में, मार्केट में खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में, वैसे ही रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है। और दोस्तों इस रेसिपी में आपके साथ मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी, ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि छोलों के स्वाद को बढ़ाने में बहुत ही मदद करेंगे। तो रेसिपी को अंत तक देखें और ध्यान से देखें और उन सारी टिप्स को फॉलो करें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों रेसिपी बनाने के लिए देखिए, मैंने चनों को पूरी रात भिगो करके रखा था और अब ये फूल करके बिल्कुल अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं। तो अब हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मसाला बनाने के लिए मैंने 3-4 प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ली है। इन सब चीज़ों को हम बारीक पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा अलग रख लिया है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो देखिए प्याज टमाटर की मैंने अच्छे से फाइन पेस्ट बना ली है। यहाँ पर दोस्तों हम कुछ सूखे मसाले पहले ही तैयार करके रख लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने कटोरी में 1 चम्मच हल्दी का ले लिया है। इसके साथ साथ ही हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का ले लेंगे। आधे चम्मच के करीब दोस्तों हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर छोले मसाले का ले लिया है। इसके साथ साथ दोस्तों 1 चम्मच हम अनारदाना लेंगे। अगर आप ये नहीं डालना चाहें तो आप आमचूर पाउडर ऐड कर लें। 1 चम्मच के करीब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 ही चम्मच दोस्तों हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ये हमारे ड्राई मसाले बिल्कुल तैयार हैं और अब हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ ड्राई होल मसाले दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने एक लाल मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और 1 मोटी इलायची ली है। सबसे पहले कुकर में हम ऑयल ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए तेल अच्छे से दोस्तों गर्म हो चुका है। इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे और इनको 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इसमें प्याज टमाटर का जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा है वो ऐड कर देंगे। तो दोस्तों इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे, यानी कि इसको हम कम से कम 15-20 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि मसाला सूख करके बिल्कुल 1/3 ना रह जाए और इसका कलर एकदम लाल हो जाना चाहिए। तो देखिए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और मसाला लगभग भूनने वाला है, लेकिन इसको अभी भी हम कुछ देर और भूनेंगे जब तक कि ये बहुत अच्छे से लाल ना इसका रंग हो जाए। तो देखिए मसाले को मैंने और 7-8 मिनट भून लिया है और देखिए इसका रंग चेंज होकर के कितना लाल हो चुका है और ये लगभग 1/3 रह चुका है मसाला। और लगातार मैंने इसको चलाया था ताकि ये बिल्कुल भी तले से चिपके नहीं। तो इस स्टेज पर हम दोस्तों इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे और टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। देखिए मसाले का रंग दोस्तों कितना सुंदर आ चुका है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए मसाले को 3-4 मिनट तक और भून लेंगे। देखिए घी जो है मसाले ने अच्छे से छोड़ दिया है और रंग बहुत ही सुंदर आ चुका है मसाले का। और इस स्टेज पर दोस्तों हम इसमें जो हमने सोक करके यानी कि भिगो करके छोले रखे हुए थे उनको मैंने अच्छे से धो करके इसमें डाल दिया है और 2-3 मिनट तक हम इसमें मसाले में इन छोलों को भून लेंगे। मसाले में छोलों को मैंने भून लिया है और इस स्टेज पर दोस्तों हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी लगभग हम 3 ग्लास के करीब इसमें ऐड करेंगे। अगर हम इसका वैसे अंदाज़ा लें तो छोले अच्छे से इसमें डूब जाएं और 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए छोलों के। और इस स्टेप के बाद दोस्तों एक हम और स्टेप करेंगे और वो स्टेप है कि एक हम टी पैन में 1 ग्लास मैंने पानी लिया है और 1
चम्मच उसमें चाय पत्ती का ले लिया है। इस चाय पत्ती के पानी को हम अच्छे से उबाल लेंगे और इस पानी को दोस्तों हम अच्छे से छान करके इन छोलों में ऐड कर देंगे। चाय पत्ती को छानना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें, छान करके ही इसमें पानी ऐड करें। तो चाय पत्ती वाला पानी इसमें मैंने ऐड कर लिया है। और एक ज़रूरी स्टेप जो कि इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम इसमें डालेंगे और इसमें एकदम बाजार जैसा फ्लेवर आएगा। देखिए सोडा के डालते ही इसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो चुका है, इसमें देखिए कैसे झाग आने शुरू हो चुकी है। यही हमारे छोलों को बिल्कुल एसिडिक यानी कि बाजार जैसे फ्लेवर देगा। और इस स्टेज पर दोस्तों हम इसकी लिड लगा करके 6-7 विसल आने तक छोलों को अच्छे से हम पकाएंगे। तो देखिए 6-7 विसल आने के बाद स्टीम एकदम से रिलीज़ हो चुकी है। हम कुकर को खोल करके इनको चेक करेंगे कि छोले अच्छे से गले हैं या नहीं। तो देखिए ये एकदम अच्छे से पक चुके हैं। और इसमें अब हम दोस्तों ऊपर से अब एक तड़का लगाएंगे जो कि इसकी खुशबू और स्वाद को बहुत ही डबल करेगा। तो उसके लिए हम तड़का पैन में ऑयल ले लेंगे। ऑयल गरम होते ही हम इसमें 1 चम्मच के करीब हींग ऐड करेंगे और कलर बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों जो हमने हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा बचा करके रखा था उनको मैंने लंबा लंबा काट करके इस तड़के में ऐड कर दिया है। और इस तड़के को अब हम छोलों में ऊपर से डालेंगे। तो देखिए छोलों का रंग दोस्तों कितना सुंदर आया है, बिल्कुल बाजार जैसे छोले। और स्वाद में भी दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और सबसे लास्ट और फाइनल स्टेप है इनको गार्निश करना। तो हरे धनिए के साथ हम इसको गार्निश करेंगे और हमारे छोले खाने के लिए सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।